तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज के व्लॉग का टॉपिक जो के है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। ये व्लॉग मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ। मेरा एक व्यूअर है, उसकी स्टोरी ये थी कि मुझे न्यूयॉर्क में वो मिला था, जो मेरे न्यूयॉर्क वाले कजन नहीं जिनके पास मैं जाता रहा। सीन ये कि उनका वो फैमिली फ्रेंड था, मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा चैनल देख देख के और इस तरह करके ना इंस्पिरेशन लेके अमेरिका की तरफ आया। और उसने फिर मेरे चैनल से सिर्फ ये इंस्पिरेशन ही ली कि अमेरिका आना था, उसने कहा कि यार मैंने ना थोड़ा सा यूट्यूब कंटेंट भी बनाना है। दिन रात काम कर रहा था, रातों को उबर चला रहा था, सुबह पता नहीं कोई अपनी और डे जॉब कर रहा था। उबर में उसके साथ बड़े वाकई होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, अजीब अजीब लोग आते हैं। तो उसने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करता हूँ। थोड़ी वीडियोस लगाई, एक दो तीन चार, और इवेंचुअली जो उसने पांचवी छठी वीडियो अपनी लगाई ना, तो एक हमारे प्यारे भाई का कॉमेंट नीचे आया, चूतिया। ये जो सारी स्टोरी है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे खुद बैठ के बताई थी। हम ना न्यूयॉर्क के अंदर काबा हाउस है, वहाँ पे बैठ के चाय शाय पी रहे थे ना, तो वो मुझे बता रहा था कि व्हाट मेड हिम क्विट दिस परस्यूट ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज दैट वन कमेंट, चूतिया। एक लव सात लेटर्स ने उसकी पूरी जिंदगी, उसकी होप्स और उसकी ड्रीम्स अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन को क्रश कर दिया। हो सकता है कि वो कोई उसके फैमिली मेंबर्स में से हो, उसके दोस्तों में से हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कॉन्टेंट क्रिएशन या इस तरह की नई फील्ड में या चीजों में आते हैं ना, और आप हसलिंग करना शुरू कर देते हैं और लाइफ में आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो जो आपके दोस्त आपके फैमिली मेंबर्स हैं ना, दे आर नॉट बैड पीपल, बट द थिंग इज दैट यू आर डूइंग समथिंग दैट दे आल्सो वांटेड टू डू, बट दे आर टू कंफर्टेबल इन देयर लाइफ टू डू इट, एंड देन व्हेन दे सी यू डू इट, उनके दिल में कुछ फायर, एक चीज इग्नाइट होती है, जो कहते हैं ना, इस बंदे को किसी तरह रोके। हो सकता है फैमिली मेंबर्स ना, हो सकता है रैंडम बंदा हो, बट द फैक्ट कि उसने वो कमेंट नेगेटिव लिया और उसको इतना फील किया कि उसने अपनी जर्नी हमेशा के लिए छोड़, उसको लग रहा होगा कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ ये सारी, दिस इज वेरी एम्बेरसिंग, दिस इज नॉट कूल एट ऑल, ये ना इसकी परस्यूट को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट क्रिएट कॉन्टेंट और डोंट गो इन टू दिस फील्ड इज बिकॉज दे आर एम्बेरस्ड। एक लड़के ने कॉमेंट किया था, कहा था कि यार मैं मुल्तान में मॉल में वीडियो बना रहा था, और किसी ने ना मुझे कहा कि कैमरा नीचे कर दो, तो मैंने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कैमरा नीचे कर दिया, और मैं बस इतना डर गया कि मैंने उसके बाद रिकॉर्ड भी नहीं किया, मतलब बिल्कुल कैमरा एक दफा भी नहीं निकाला। वी आर ऑलरेडी एम्बेरस्ड टू डू दिस थिंग इन पब्लिक एज इट इज, ये फोन निकाला हुआ कैमरे से आप बातें कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते, पीपल don't look at you as much as you think they do, they don't listen to you as much as you think they do, they don't speak about you as much as you think they do. Mujhe ek baat batao, koi apne family member ya koi past ka banda, koi aisa banda yaad karo abhi apne dimag mein, aur uski koi embarrassing do teen moments socho uske, bade embarrassing. 2 seconds later, mushkil ho rahi hai na sochne mein. Let's say agar tumne soch bhi liya is waqt, क्या तुम ये चीज सोच रहे थे बिफोर आई आस्क यू टू थिंक अबाउट इट? द थिंग इज दैट यू आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज यू थिंक यू आर, एवरीबॉडी इज द मेन कैरेक्टर ऑन देयर ओन स्टोरी, नोबडी केयर्स बॉयज एंड गर्ल्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ दुनिया को ऐसा देने के लिए है, कुछ टैलेंट है जो इस दुनिया से मिसिंग है, देन यार बनाओ वीडियो और फेंक दो यूट्यूब पे। अभी ना मैं बॉयज एंड गर्ल्स काम पे जा रहा हूँ इस वक्त ना, और मैंने काम के बाद ना बिलाल भाई के पास जाना है, मेरे जो निक्का नामा के जो सर्टिफिकेट है ना, उनको मैंने बिलाल भाई से साइन करवाना था, बिकॉज ही वाज अ विटनेस। कि जब ये दोनों काम हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं हेटर्स पे भी दोबारा बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अपनी पहली वीडियो चढ़ानी किस तरह, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। और फिर बोनस थिंग इज, मैं आपको अपनी पहली वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड की थी यूट्यूब पे, बड़ी क्रिंजी वीडियो है बॉयज एंड गर्ल्स, देख के आपका हासा निकल जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, नो गेट कीपिंग। आई विल शो यू व्हाट माय फर्स्ट वीडियो वाज रियली लाइक, सो यू गाइस डोंट फील एज बैड अबाउट योर वीडियो। बिफोर कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग, इफ यू लाइक व्हाट यू सी, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट टू कीप मेकिंग दीज व्लॉग्स। आई विल सी यू एट वर्क। कि मेरे दोस्त जो है ना, मतलब पीयर्स हैं यहाँ पे, तो कहते हैं तुम हुडी क्यों पहना है आज, हुडी तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, बस ये मजाक में कहते हैं। तो आई हैव टू रीजंस फॉर दैट। पहली रीजन तो है कि मैं उन्हीं चार पांच लोगों को रोज देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बाकी लोग लिटरली देयर इनविजिबल टू मी, आई मीन आई सी देम बट आई डोंट रिमेंबर देम रियली। आल्सो नॉट टू ब्रैग बट आई स्टिल लुक बेटर देन 99% पीपल हियर। द सेकंड रीजन इज देयर इज नो होज अराउंड, दे आरंट इवन वाचिंग देम। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं काम से फारिग हो गया था, ठीक है, अभी बिलाल भाई की तरफ जा रहा हूँ अपने निक्का नामा साइन करवाने। अब एक काम करें, अभी मामू ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजी हैं अपनी व्लॉग करते हुए, क्योंकि आज हम व्लॉग और कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल उन्होंने भेजी है, तो ये चेक करो जरा। जी, तो मूसा के चाहने वालों, मैं यहाँ पर इस टाइम हूँ पहाड़ी में, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे पहली डांस हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे यूरोपियंस हैं इस टाइम,
और यहाँ पे जो है इनका बफे स्टाइल है, पूरा फूड है, लाइव बारबेक्यू भी है यहाँ पर, और सबसे मरे मजे की बात है यहाँ पर पाकिस्तानी चाय भी मौजूद है। कैमल राइडिंग भाई, ये कैमल ही है, कुछ और ना समझ लेना। बॉयज एंड गर्ल्स, आप ये देखिए मामू की वीडियोस कितनी सिंपल थी, लेकिन एक बात जो मुझे अभी तक चुभ रही है ना, ये मामू ऊंट के ऊपर चढ़े थे, ये ऊंट मामू के ऊपर चढ़ा, ये पता लगाना पड़ेगा जब ये मामू आएंगे ना वापस, इनसे सबसे पहला सवाल मैं ही पूछूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव द निक्का नामाज, तो साइन करा लेते हैं बिलाल भाई से और हाल चाल भी पूछ लेते हैं, बड़े दिनों से इनके मुखड़ा देखा ही नहीं हमने। अरे मैं तो धूप में सड़ गया। क्या हाल है बिलाल भाई? बिलाल भाई मेरा यार, ये निक्का, ये साइन कर दो, शादी नहीं हो रही मेरी। ये लो जरा, वो दोबारा से मौलवी ने बनाए थे ना। Later that same evening. तो शुरू करते हैं, फर्स्ट वीडियो क्रिएशन की बात करते हैं। तो वीडियो क्रिएशन में बॉयज एंड गर्ल्स आपको लिटरली कुछ नहीं चाहिए, आजकल सबके पास इतनी बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन तो है ही, चीप चीप स्मार्टफोन भी मिल रहे हैं विद गुड कैमरास, ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट फोन iPhone 14 Pro पड़ा है, तो इट्स इजी फॉर मी टू से बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ विद अ मोटरोला फोन, मुझे याद भी नहीं कौन सा, लेकिन बड़ा गंदा सा फोन था जो कैम रिकॉर्ड करते करते ही रुक जाती थी उसकी रिकॉर्डिंग। लेकिन अपनी पहली वीडियो जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, वो मैंने लिटरली किताबें स्टैक की थी, ये मैंने फोन रखा था यूं करके और इस तरह करके मैंने बात की थी सारा टाइम, कॉन्टेंट ओवर क्वालिटी। क्योंकि अगर तुम्हें अच्छी क्वालिटी वाली चीज शुरू मिल भी गई ना, तुम्हें हैंडल ही नहीं करना आएगा, बिकॉज यू नेवर क्रिएटेड कंटेंट। सो जो भी है तुम्हारे पास एट योर डिस्पोजल, जस्ट यूज दैट, और जितनी लिमिट तुम्हारे पास रिसोर्स होगी ना कंटेंट बनाने की, उतनी तुम्हारी क्रिएटिविटी भी पुश होगी। आई विल गिव यू एग्जांपल, आजकल वो बच्चा देखे वो जो विलेज में छोटा सा बेबी फिर रहा है इधर उधर वो कैमरा लेके, तुमने देखे उस अभी तक? अली भाई जूस भी दे दो, जूस भी ये ले जी, दो जूस ये मामू तुझन के लिए, ये मेरे लिए, मुस्कान भी मेरे साथ है, मुस्कान आप भी सलाम करो। The fascinating thing about him is that उसका जो content है, is that he's a little kid who's vlogging, first ever seen like that, गांव के एरिया में जिसको हम regularly नहीं देखते ना कहीं न्यूज पे ना किसी चीज में, और बड़ी सिंपल सी लाइफ दिखा रहा है, बड़ी एक रॉ सी लाइफ है जो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, एंड इट्स वेरी प्योर। लेकिन गियर क्या उसका, उसको मैंने फोन देखा, पता नहीं कौन सा क्यू मोबाइल है, मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन ऐसा फोन है जो मैंने पहचाना नहीं। और सबसे मजे की बात, उसकी सेल्फी स्टिक क्या है, लकड़ी का तख्ता नहीं होता, एक स्टिक उस पर टेप करके उसने वो फोन लगाया हुआ है और वो लेके छोटे छोटे अपने हाथों से फेर रहा है। गियर डजंट मैटर, अभी ना कहना हम तो छोटे बच्चे नहीं है, हमें तो कोई पूछेगा नहीं, इट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज दैट मेक कंटेंट दैट फील्स गुड टू यू, जिस चीज के बारे में भी तुमने बात करनी, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, कुछ लाइफ में जिंदगी में हो रहा है जो तुम्हें लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग, देन जस्ट टेक आउट योर कैमरा एंड जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। सम ऑफ द हाईएस्ट आईएमडीबी मूवी रेटेड आर द वन जिसमें इतना ज्यादा यू नो पैसा यूज नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल गॉडफादर होगी, शॉशैंक रिडेम्पशन होगी, कंपेयर टू ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मर्स मार्वल वाली मूवी से बहुत 10 गुना कम होगा, लेकिन देयर द टॉप 5 मूवीज। सो द थिंग इज दैट कंटेंट ओवर क्वालिटी, और जो क्वालिटी है ना उसको आप लेटर बढ़ाते, और लेटर भी क्वालिटी को क्यों बढ़ाते हो मैं बताता हूँ, क्योंकि पीपल लाइक चेंज। मैं अपने बड़े व्लॉग में बात करता हूँ कि लोगों को ना चेंज पसंद होता है, वंस पीपल स्टार्ट सीइंग यू ग्रो दे आल्सो वांट योर क्वालिटी टू गो अप टू, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। नाउ किस तरह रिकॉर्ड करना है ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग, बट ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड लाइक ऑल ऑफ दैट शिट येट, बट जस्ट स्टार्ट डूइंग रिकॉर्डिंग समथिंग। आज मैं बाथरूम में पॉटी करने जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, जस्ट मेक व्हाटएवर यू वांट टू मेक एंड देन फिगर आउट लेटर कि क्या चीज चलती क्या नहीं चलती, पहले कुछ बनाओ तो सही भैया। बस ये याद रखना, फॉर अ गुड व्लॉग यू विल ऑलवेज नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं ये नहीं कह रहा थ्रू आउट द व्लॉग हो, लेकिन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी हैज देयर ओन लाइव्स, व्हाई वुड दे एवर वांट टू क्लिक एंड कम टू योर व्लॉग। इंट्रो होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है या प्रॉब्लम आती है, और उसका फिर सोल्यूशन आता है। मेरा हर व्लॉग ऑब्वियसली उस चीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन कहने का मतलब है दीज टाइप ऑफ व्लॉग्स आर द वंस दैट आर रियली गुड, इट काइंड ऑफ सर्व्स एज अ स्टोरी। इमेजिन करो व्लॉग बना लिया, अब आपको कहोगे एडिटिंग, भाई एडिटिंग का जो सीन है ना, एडिटिंग आपने तब तक नहीं सीखनी जब तक आप पहला व्लॉग नहीं बनाओगे, बात ही खत्म है। जब तक अर्जेंसी नहीं तुम्हारे अंदर बनेगी ना कि मैंने वीडियो बना लिया अब क्या करूं मैं, अब तुम गूगल करो ऑनलाइन, इतने फ्री एडिटर पड़े हैं, मैं पैसे देके करता हूं क्योंकि एडोबी की सर्विसेज में देता हूं ना मंथली, इट्स लाइक $30 फॉर मी, इसमें मैंने यूज करता हूं प्रीमियर प्रो, लाइट रूम, फोटोशॉप, एडोबी पीडीएफ वाला जो है, मेरा नाम निकल रहा दिमाग से, लेकिन कहने का मतलब है आई पे फॉर द सर्विस, लेकिन पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन गेट द क्रैक वर्जन। शुरू
तुम्हें डिसार्ड नहीं होना, शुरू में नहीं आना आपके 9, 8, 9, 10 व्यूज, 5 व्यूज, मे बी 20 आ जाएंगे, लेकिन डिसार्ड नहीं होना। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेज एक्चुअली, बिकॉज दैट्स द बिगिनिंग। लगाई जाओगे। यूट्यूब इज लिटरली लाइक कोल्ड कॉलिंग, विच आई हैव रिसेंटली रियलाइज्ड, कि आपकी हर वीडियो अच्छी नहीं जाएगी। हो सकता है मेरी ये वीडियो अच्छी ना जाए, आई डोंट इवन नो। ये सोच के मैं पहले डिसार्ड हो जाता था कि यार एक वीडियो इतनी अच्छी गई, एक वीडियो इतनी बुरी गई, यार ये क्या बात है, बस मैं छोड़ रहा हूँ। यही तो बात है, क्विट नहीं करना बॉयज एंड गर्ल्स। लगाई जाओगे। कोई बुरी वीडियो जा रही है पोस्ट, अच्छी वीडियो जा रही है पोस्ट। समटाइम्स इट्स नॉट इन योर कंट्रोल कौन सी वीडियो जाएगी अच्छी, कौन सी नहीं जाएगी। द थिंग इज यू नेवर नो, द बेस्ट वे इज टू जस्ट पोस्ट। हेटर्स की बात कर लेते हैं। एज फार फॉर द हेटर्स, क्या घर वाले सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, भाई द ओनली थिंग दैट इज प्रॉमिस्ड इन लाइफ इज डेथ। और जब आप मरोगे ना, तो यही लोग आपकी फौदगी पे बोटियों पे लड़ रहे होंगे, खा पी के निकल जाएंगे और आपको फेंक के, यू नो, मतलब बरी करके आ जाएंगे। एंड देन लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इफ नो वन गिव्स अ शिट देन व्हाई डू यू। अगर बहुत हेट आ रही है तुम्हें, लेट से के लोग पीछे पड़ गए कह रहे हैं, तो भाई उनको एडमायर करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हेट को भी इस तरह लोग कहने, भाई तुम्हारे फैंस हैं कि उन्होंने अपना टाइम जिंदगी का निकाल के तुम्हारी वीडियो देख के वो कमेंट नीचे किया है। एनर्जी, याद है मैंने पिछले व्लॉग में एनर्जी की बात की थी, तुम्हें एनर्जी मिली है, अब वो नेगेटिव एनर्जी मिली है, तुम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। एक चीज है जो मैं आपको एंड में बताना चाहूंगा अबाउट हेटर्स। नो बॉयज एंड गर्ल्स, हेटर्स विल हेट, क्रिएटर्स विल क्रिएट, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। और ये मैंने खुद की बात नहीं, मैंने केसी नेस्टार्ट के ब्लॉग में देखा था, बट आई फाउंड इट सो ब्यूटीफुल दैट आई स्टिल रेजोनेट विद इट। सो हेटर्स विल हेट, क्रिएटर्स विल क्रिएट, डोंट यू एवर फॉरगेट दैट। नाउ फॉर माई फर्स्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी, बहुत ही क्रिंज, इतनी क्रिंज है कि आपको दिल करेगा मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। छोटे से मैं चंक्स दिखाता हूँ, ये देखो जरा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है व्हाई नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन मेक इट अब्रॉड। एज अ किड यू नो यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स, चाहते हो कि तुम बाहर जाओ, वहाँ की लाइफ देखो, लेकिन फैमिली का डंडा इतना स्ट्रांग होता है कि तुम जाने नहीं देते। इवेंचुअली यू नो यू रिटेलिएट, यू डू ऑल द थिंग्स इन योर पावर, बट यू स्टिल कैन नॉट यू नो फाइट योर फैमिली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज योर फैमिली। इसका जो हल है ना, जो मेरे ओपिनियन में, वो ये है कि यार वर्क बिहाइंड द सीन्स, अप्लाई करना शुरू करो, पीछे से अपने दूसरे दोस्तों से पूछो कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, करना शुरू करो, एक बार एडमिशन ले लो। कभी वही कन्विंसिंग पावर बन जाती है फैमिली के लिए, लेकिन अगर तुम कहोगे ना कि यार बस अपनी फैमिली को मैंने बाहर जाना है, तो ऑब्वियसली वो मना करेंगे। थर्ड रीजन ये होती है कि यार हम वी रिलाई ऑन अदर्स, वी रिलाई टू मच ऑन अदर्स, ऑन थिंग्स दैट आर योर थिंग्स टू डू। तो होता है कि यार जब तुम कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ना बंदा कहता है यार ये मैं किसी से काम करवा लूँ, यू नो तुम एडवाइजर्स के पास जाते हो, तुम अपने प्रोफेसर के पास, जिसके मर्जी पास जाते हो, यार तुम कहते हो कि यार ये काम ना मैं किसी और के बल पर डाल दूँ, ताकि ना मैं अपने स्कूल के बारे में पढ़ लूँ, ये कर लूँ। दिस सिंपली वॉन्ट हैपन। लाइक तुम्हें अपना दिमाग मारना पड़ेगा उसके ऊपर, तुम्हें अपना मगज मारना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा काम होगा। तुम्हें बैठ के रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की देखनी होगी, खुद देखनी होगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा, उसके लिए एसेस किस तरह लिखना है, मैंने क्या लिखना है, कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लानी है, उसके लिए डीन से बात करो अपने स्कूल के, उनसे पूछो कि यार कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट मुझे मिल सकती है नहीं मिल सकती है, मेरे क्या ग्रेड्स बनते हैं, उसमें अपने टीचर से जाके बात करो, इंप्रूव योर ग्रेड्स, मेक देम बेटर, 100 चीजें होती हैं। लेकिन अगर तुम ये किसी के मत्थे मार दोगे ना, काम होगा पता क्या है, यू फाउंड एन एडवाइजर राइट, तुम उस एडवाइजर के पास गए हो, क्या पता यार कल को वो तुम्हें तो कहे, तुमसे कहे हाँ जी मैं काम कर दूंगा, मुझे ना 50,000 रुपया दे देना, आपका सारा काम हो जाएगा। 50,000 देना है बस इतने का, तो मैं फोन भी ले लेता हूँ, तो ठीक है मैं दे देता हूँ 50,000। आप उसको 50,000 रुपया दे देते हो, कल को फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, एडवाइजर हो जाता है गायब, उसको आप कॉले करते हो, मिस कॉले मारते हो, वो आपका कभी कभी हफ्ते में जवाब देते हैं, हाँ यार मैं काम तुम्हारा कर रहा हूँ, हो रहा है। इवेंचुअली क्या होता है, जब तुम्हारी डेडलाइन आ जाती है यूनिवर्सिटी की, यार तुम कहते हो एप्लीकेशन अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या सीन है, वो एडवाइजर तुम्हें एंड तक झंडी कराता रह जाता है, और फिर तुम उस एडवाइजर को पकड़ के जाओगे, कुटो उसको, जो मर्जी करो, उससे पैसे निकलाओ, तुम्हारा साल तो जाया होगा, तुम्हारी वो जो एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो एक डेडलाइन थी, वो तो वेस्ट हो गई ना। तो यार उस चीज से बचने के लिए ना, डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन थिंग। कैसा दिया आपको? बड़ी इसी वीडियो को सीक्रेट रखा होता, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था दुनिया को, लेकिन अब आप लोगों ने देख लिया, हंस लिया, पेट भर गया आपका जी। We all were cringe at some point and you will be cringe. Don't worry. तुम जितने मर्जी cool boy हो ना अभी अपनी life में, जब video डालोगे ना, तो you will be the cringiest you've ever been. Video को यहाँ पे end करते हैं. If you like the vlog, then don't forget to like this video. And boys and girls, don't forget to subscribe to my channel. और अगर आपको इस तरह की और videos चाहिए about content creation and how I do my vlogs वगैरह, then do let me know. Again, haters will hate, creators will create, boys and girls. And अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दें. जो मैंने चीजें अपने पिछले 4 साल में learned कि मैंने आपको एक वीडियो में सारा बता दिया। होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल, वी विल बी सक्सेसफुल टुगेदर। बिलीव इट।